हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेशमी डिज़ाइनर चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए ये सुंदर सा कुर्ते वाली नेक के डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये नेक बिल्कुल रेडीमेड लगता है, जैसे रेडीमेड कुर्ती ली हूँ हमने। इसको बनाने के लिए मैंने कुर्ती कटिंग की हुई थी, उसको मैंने 1/2 पार्ट में रख लिया है। अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने 3 इंच चौड़ाई रखी है और 3 इंच ही लंबाई भी रखेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे और इसमें फिर गोलाई का निशान दे देंगे और नीचे से थोड़ा सा वी शेप में कटिंग के लिए मैंने ये 2 इंच की लेंथ पे निशान लगाया है। ऊपर से 1/2 इंच की चौड़ाई रखते हुए वी शेप में निशान लगाएंगे। बस इसे कट कर लेंगे हम। ये मैंने इसे कट कर लिया। अब हम इसमें ऊपर से डिज़ाइन के लिए कपड़ा लेंगे। ये मैंने दूसरा कपड़ा ले लिया है डिज़ाइन के लिए। इसको 1/2 पार्ट में रखेंगे और जो कुर्ती में हमने नेक कटिंग की थी उसी को 1/2 पार्ट में इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर बराबर से लेते हुए इसी के साइज़ में कपड़े को रखेंगे। हम ज़्यादा कपड़ा वेस्ट नहीं करेंगे फालतू में, बस इसी के हिसाब से हम कपड़ा रख लेंगे। और जैसा कि हमारे ये नेक बना हुआ है वैसे ही बस हमें निशान लगा लेना है। हमें इसमें कुछ कम ज़्यादा नहीं रखना है, बस जैसे कि हमारी कटिंग पहले वाले नेक की हो चुकी उसी को रख कर बस हम उसी को छाप लेंगे। और बाहर से अब हम 1 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाएंगे। देखिए मैं 1 इंच की चौड़ाई पर निशान लगा रही हूँ। पूरे में हमें 1 इंच की चौड़ाई पर ही निशान लगाना है और नीचे हम 9 इंच की लेंथ पर निशान लगाएंगे। ये यहाँ देखिए 9 इंच। में मैंने निशान लगा लिए। वहां से भी हमें चौड़ाई 1 इंच ही रखनी है। बस अब इसे हम कट कर लेंगे, पहले बाहर से फिर अंदर से। वी प्लेट ने इस तरह से कट कर लेंगे हम। ऊपर से जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी छांट देंगे हम। अब बस अब हम जैसे बकरम वाले गला बैठालते हैं बस वैसे ही हमें इसको भी बनाना है। कुर्ते के कपड़े को हम उल्टा रखेंगे इस तरह से और इसको भी हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमें पूरे नेक में 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सावधानी से यहाँ पे सिलाई लगानी है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा आगे और पीछे दोनों कपड़ा एकदम इक्वल होना चाहिए, बराबर। और इसी तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि इजीली पलट जाए। अब कट्स लगाने के बाद हम इसे आसानी से इस तरह से पलटा देंगे। और किसी भी नोकदार चीज़ से इसकी नोक बना लेंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। ओ ये तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया कपड़ा। इसे हम 1/2 इंच और छांट देंगे। अब हमें पूरा इसे 1/2 इंच लगभग और छांट देना है ताकि हमारा, क्योंकि हम ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं इसको हमें ज़्यादा चौड़ा नहीं बनानी है, पतली डिज़ाइन बनती है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। ये देखिए इस तरह से। बस अब इसे हम इजीली फोल्ड कर लेंगे।
बस फोल्ड करने के बाद हमारा नेक रेडी हो जाएगा। चलिए जल्दी से फोल्ड कर लेते हैं। तो आपको भी सुंदर सा नेक पसंद आ रहा है ना, जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अब नीचे भी हम इस तरह से बीच में ही, बिल्कुल बीच में आना चाहिए, सिलाई लगाएंगे, नीचे का फोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, फिर इस साइड का भी हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये जो हमारी डिज़ाइन है लगभग हाफ इंच की चौड़ाई पे बनी है। ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये बिल्कुल रेडीमेड जैसे कुर्ते मार्केट में बिकते हैं वैसे ही डिज़ाइन लगती है। इसे आप पहनेंगे कोई कह नहीं सकता कि आपने घर से सिलाई है। बस अब एक्स्ट्रा जो है उसे हम छांट देंगे। हमारा सुंदर सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।